भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है, आज की वीडियो दोस्तों आपको दो ट्रैक्टरों में कंपैरिजन करके दिखाएंगे। महिंद्रा का 30 एचपी कैटेगरी मान लो या 30 32 35 एचपी के कैटेगरी के जो ट्रैक्टर है महिंद्रा 265 दोस्तों, इसकी भी नई सीरीज में आपको पता है आ गया था 265 DAXP प्लस में। और जो दूसरा ट्रैक्टर दोस्तों ये है जी महिंद्रा 265 पावर प्लस। तो भाइयों काफ़ी भाइयों ने हमने जब इसकी वीडियो बनाई थी XP प्लस 265 की, तो उसमें भाइयों ने बहुत कमेंट किए कि भाई पावर प्लस से इस ट्रैक्टर का क्या फ़र्क है। तो दोस्तों जब आप कमेंट करते हो, अगर कमेंट का रिप्लाई में ही जवाब देना संभव है या तो मैं वहीं पे दे देता हूँ, लेकिन अगर वो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देने या वीडियो बनाने लायक कमेंट होता है तो मैं उसकी वीडियो आपको बना के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि महिंद्रा 265 DAXP प्लस में और जो 265 पावर प्लस है इन ट्रैक्टरों में दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कितना HP में डिफरेंस है, कितना इसके टायरों में डिफरेंस है या कितना इसके हाउजिंग वगैरह या जो भी इसमें माइनर डिफरेंसेस है सारे हम इस वीडियो में दोस्तों कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले ट्रैक्टर के इंजन की बात करते हैं जो ट्रैक्टर का सबसे मेन पार्ट होता है। दोस्तों 265 DAXP प्लस जो ट्रैक्टर है ये 33 HP के साथ आता है, 33 HP के साथ आता है। और दोस्तों जो 265 पावर प्लस है ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो पावर प्लस है ये 35 HP के साथ आता है। ये जो साइन है इसमें 2 HP एक्स्ट्रा होती है, ठीक है जी। पावर प्लस 35 HP के साथ जो 265 है वो 35 HP में आता है, ठीक है जी। और जो कौन सा 265 दोस्तों खाली 265 है, इसमें पावर प्लस नहीं लिखा हुआ, वो 30 HP का है, ठीक है जी। वैसे 3 HP में ये 265 आते हैं, 30 में आता है, 33 में आता है और 35 में आता है। जो 30 में आता है दोस्तों उसकी जो शक्ल है वो ऐसी है, उसमें 12 के टायर आते हैं, इसमें 13 के टायर आते हैं जी, उसमें 12 के आते हैं। उसकी जो शक्ल है जो बॉडी लाइन है वो सेम ऐसी है, वो 30 HP में आता है। और जो XP प्लस है 265 वो 33 HP में आता है। और जो 265 पावर प्लस है दोस्तों ये अपना 35 HP में आता है, ठीक है जी। अब अगर इसमें टायरों की बात करें तो इसमें 13/6/28 के पिछले टायर है जो पावर प्लस है 35 HP वाला, और जिसके फ्रंट टायर है वो 6/16 के टायर हैं। और दोस्तों इसमें आपको मतलब कि आप मैनुअल मैकेनिकल स्टीयरिंग भी ले सकते हो और पावर स्टीयरिंग भी ले सकते हो, वो ऑप्शनल है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आपको इसमें भी दोनों ऑप्शन है, पावर स्टीयरिंग भी ले सकते हो और मैकेनिकल स्टीयरिंग भी आप ले सकते हो। अब आप कहोगे कि और क्या क्या फ़र्क है दोस्तों। एक तो जो सामने की जो ग्रिल है, जो बोनेट है, ये आप देख लीजिए, जो XP प्लस का है वो इस तरह का है, और जो अपना 265 पावर प्लस का है वो ये क्लासिक मॉडल या विंटेज कलेक्शन एक तरीके से कह दीजिए, जो विंटेज था उस तरीके से ही आता है। उसके बाद में अगर वेट की बात करें, देख लो इसमें इस तरीके का डबल वेट लगा हुआ है, और जो XP प्लस है दोस्तों इसमें सिंगल वेट लगा हुआ है। हालांकि जो वेट है दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। उसके बाद में जो अगर मैं आपको बताऊं, जो इसके अगर टायर साइज की बात करूं तो इसके जो टायर साइज हैं ये 13/6/28 में आता है जो पावर XP प्लस है, और जो फ्रंट टायर हैं वो भी दोस्तों 6/16 के आते हैं इसमें, ठीक है जी। जो XP प्लस में जो फ़र्क आया है, एक तो ये सारे का सारा जो ये ब्रांडिंग का स्टीकर का फ़र्क आया है पूरा का पूरा, और उसके बाद में जो फ़र्क है अपना फ्रंट ग्रिल में फ़र्क है और HP में भी फ़र्क है, ठीक है जी। और कुछ भाई कहते थे कि भाई ये 37 HP का, नहीं भाई ये 33 HP का है, और जो ये वाला है ये 35 HP का है। अगर मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहूँ कि जो 265 पावर प्लस है उसमें 265 XP प्लस से ज़्यादा पावर है, ठीक है जी, क्योंकि 2 HP एक्स्ट्रा है। फिर मैं बार बार वही एक बात आपको बता रहा हूँ कि जो XP प्लस है वो 33 HP का है और जो पावर प्लस है वो 35 HP का है। बाकी सब कुछ वही है, PCM गियर बॉक्स के साथ ये ट्रैक्टर है, ठीक है जी। ये इसमें एक और बाकी अगर हम इसके पिछला हिस्से की बात करें तो बिल्कुल कुछ भी डिटो कॉपी वही है, कोई इसमें अपना एक्स्ट्रा नहीं है। बाकी आपको मैं इसकी प्लेट वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है जी। SFC वगैरह ये लिखी हुई है, देख लो 256 ग्राम, ठीक है जी। अब आपको एक बार मैं पावर प्लस की भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे रोक के भी कंपेयर कर सकते हो वीडियो को कि दोनों में क्या क्या फ़र्क है, ठीक है जी। ये 11वें महीने का 2021 को ही इसकी जो मैन्युफैक्चर हुई है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ कि उसमें कितना फ़र्क है।
और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो उसकी PTO की HP है, मैं थोड़ा सा कैमरा पास ले जाके आपको दिखा देता हूँ, जो PTO की HP है वो दोस्तों 29 HP है, ठीक है जी, 29.6 साढ़े अप्रोक्स, थोड़ा सा मान लो राउंड फिगर में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, और 265 पावर प्लस की जो चिट है या प्लेट है वो दिखा देता हूँ, ठीक है जी। चले आना चले, लेकिन अपने को क्या है। अब मैं दोस्तों आपको इसका दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो अब इसकी SFC देख लीजिए 238, ठीक है जी। और जो इसकी PTO पावर है दोस्तों, PTO पावर है इसकी 32.5, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये मिल रही है कि जो इसकी SFC है ये 238 है, उसकी देखते हैं। और ये है 200 XP प्लस की, तो इसकी 256, ठीक है जी। जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है वो XP प्लस का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि खुद कंपनी ने इस पे लिख के बता रखा है या दिखा रखा है, ठीक है जी। और बाकी भाइयों कोई और डिफरेंस हो, कोई माइनर डिफरेंस है जो मेरे से बताने से रह गया हो, तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है जी। बाकी इसमें बड़ा सेल्फ है, इस चीज़ का थोड़ा सा मतलब कि ध्यान रखें, है ना, क्योंकि जो छोटा सेल्फ है वो किसान भाई पसंद नहीं कर रहे। और जो 265 में जो ये वाले जो पूरा का बॉडी लाइन का जो ये वाला हिस्सा है, तो ये भी थोड़ा सा इसको नैरो कर दिया है। मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि ये जो किसान भाई कह रहे हैं कि भाई ये जो यहाँ से कमज़ोर कर दिया, दोस्तों कमज़ोर नहीं करा, ये नैरो कर दिया गया है। इसमें जो क्वालिटी है वो वही की वही है, थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि अंदर से इसकी जो प्लेट है वो मोटी कर दी हो, ठीक है भाइयों। और एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि अगर कुछ चेंजेस वगैरह या दोनों में हुआ हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दोस्तों बिल्कुल सेम ही है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करो, और कोई और भी कोई ट्रैक्टर का अगर कंपैरिजन आप देखना चाहते हो, सेम HP सेम कंपनी, तो आप वहाँ भी हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो कोशिश करेंगे कि उसका भी हम बना दें। और भाइयों एक भाई ने हमें और भी कमेंट किया था, वो भी इसी वीडियो में कवर कर देते हैं। दोस्तों उस भाई ने बोला था कि भाई 265 में भी M-Tech हाइड्रोलिक आएगी या नहीं आएगी या आ गई है। दोस्तों अभी तक तो कोई ऐसा ना इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है कि इसमें 265 में M-Tech हाइड्रोलिक आएगी या नहीं आएगी। जब भी आएगी दोस्तों तो जल्द से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जब भी आएगी, ठीक है जी। और बाकी आप कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करो, ठीक है जी। वीडियो बनाने वाला कमेंट होता है तो वीडियो बनाएंगे, अगर वहीं बताने वाला कमेंट होता है तो वहीं बताएंगे। धन्यवाद।